हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र आपके लिए लेकर आया हूं एक नए जानकारी का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस लॉकडाउन के दौरान जो सख्ती बढ़ाई गई है, अगर आप किसी एसेंशियल सर्विस में हैं, आपको अगर बाहर जाने की ज़रूरत है, तो किस तरीके से आप ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल के थ्रू। तो आज का जानकारी हमारा इसी वीडियो पे है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और दूसरे को भी शेयर करें। तो चलिए जानकारी लेते हैं। अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउज़र ओपन करें। मैं यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर रहा हूँ, और अपने URL एड्रेस के जगह पे www.epassjharkhand.nic.in एंटर करें। आप इस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ये जो मेन्यू ऑप्शन है, आप चाहे तो यहाँ से यूज़र रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना, या फिर आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिख रहा है रजिस्टर हियर, आप इसको क्लिक करें। अपना जो मोबाइल नंबर है आप उसे एंटर करें, सबमिट करें। अपने मोबाइल को एक बार दोबारा से एंटर करके रिकन्फर्म करें, और आपका जो मोबाइल नंबर डाला था आप दोबारा से वही डालेंगे। यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपको पासवर्ड का कुछ कंडीशंस नज़र आएंगे, जिसमें आपका अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, स्मॉल और कैपिटल भी होना चाहिए, और मिनिमम 6 डिजिट का होना चाहिए। तो इसको लेके आप अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर ले। मैं जैसे यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, आप पासवर्ड कंडीशन के साथ इंटर करें, पासवर्ड पॉलिसी मैच हो चुका है। दोबारा से आप पासवर्ड को रिकन्फर्म करेंगे, और यहाँ पे भी सिमिलर पासवर्ड डालेंगे, वही जो आपने इससे पहले डाला था, अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल, एक कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। फिर आप यहाँ पे जो कैप्चा शो करेगा वो आप कैप्चा को एंटर करेंगे। कैप्चा एंटर करने के बाद आप लॉगिन कर ले, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जो है आपका प्रोफाइल क्रिएट होगा। अब यहाँ आपका प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना है। ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसमें आप जाएंगे पर्सनल डिटेल जो पेंडिंग है, यहाँ पे आप अपना कंप्लीट डिटेल एंटर करें, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके डॉक्यूमेंट के अनुसार जो होगा आप वही डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, मंथ एंड ईयर, ये तीनों आप एंटर करें। उसके बाद अपना जेंडर, फादर्स का नेम, और अपना एड्रेस, लोकल एड्रेस के साथ आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को भी सिलेक्ट करना होगा। आप इसे मैन्युअली सेलेक्ट कर लें, अपना पिन डालें। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद जो आपका पोस्टल पिन कोड एरिया का, सेव करें। आपका प्रोफाइल सक्सेस हो चुका है 79%। अभी आपका डॉक्यूमेंटेशन बाकी है। डॉक्यूमेंट में यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है, वोटर आईडी, आधार, पासपोर्ट, पैन या ड्राइविंग लाइसेंस जो आपके पास अवेलेबल है आप उसको सिलेक्ट करें। जैसे मैंने यहाँ पे आधार सेलेक्ट किया, अपना आधार नंबर एंटर किया, यानी डॉक्यूमेंट जो आप डालेंगे सेलेक्ट करेंगे उसका नंबर, ये हमारा प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, हमें मेनू ऑप्शन में जाना है। ये राइट साइड टॉप कॉर्नर पे जो मेनू ऑप्शन है उसमें जाएंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा ई पास का। ई पास वाले ऑप्शन में आपको आएगा अप्लाई फॉर पास। यहाँ जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे, यानी सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें जिस डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं अप्रूवल के लिए। उसके बाद आप जो पास का कैटेगरी है उसमें से कौन सा पास बनाना चाहते हैं, विद इन डिस्ट्रिक्ट, आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट, आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट बट विद इन स्टेट, विद इन डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, कमिंग इन साइड झारखंड, आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करके इसे सेव करें। बाकी का जो डिटेल्स है आपको यहाँ पे फिल करना होगा, जैसे आपका एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, जो अभी हमने सेलेक्ट किया, वो किस डिस्ट्रिक्ट में आपको विजिट करना है वहाँ, और जो एड्रेस है जहाँ पे आप विजिट करने वाले हैं इस पास के माध्यम से, वो डिटेल। आप जिस सर्विस में जुड़े हैं, जिस सेक्टर से जुड़े हैं, अकॉर्डिंगली यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी दिया है, आप उसको सेलेक्ट कर ले। जैसे मैं मीडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, आप उसको सेलेक्ट करें। इसके बाद आपको पास किसके लिए चाहिए, वन वे चाहिए या टू, बार बार आपको आना और जाना है उसके लिए चाहिए,
यहाँ पे आपको ड्यूरेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, कब से कब तक का पास चाहिए। अगर आप आज अप्लाई कर रहे हैं तो आप कल के डेट से डालेंगे, यानी कि एक दिन बड़ा बाद का। जैसे यहाँ पे मैंने 16 डाला है। ध्यान रहे विद इन झारखंड, अगर आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप 7 डेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो आपका पास का एप्लीकेशन है। अगर आप विद इन डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आप मैक्सिमम तब तक कर सकते हैं जब तक आपका लॉकडाउन का ड्यूरेशन है। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आवर, यानी कि कितने बजे से कितने बजे तक आपको इस पास का रिक्वायरमेंट है और आप बाहर घूमेंगे। तो मैंने सुबह 6 बजे से लेके रात के 8 बजे तक सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपको अपना व्हीकल सेलेक्ट करना है, 2-व्हीलर और 4-व्हीलर। इसके बाद जो लास्ट वाला है वहाँ पे आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, जो आपका पर्सनल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है, चूँकि ये गाड़ी का पास होता है। उसके बाद का जो यहाँ पे डायरेक्शंस है, आप उन सारे डायरेक्शंस को ध्यान से पढ़े, कुछ टर्म कंडीशन दिए गए हैं, उसको सबको सेलेक्ट करें और सेव कर लें। तो ये हमारा पास जनरेट हो चुका है। यहाँ पे हमें क्या करना है, अब इसको चेक करना है कि हमारा पास बना कि नहीं। तो दोबारा से आप यहाँ पे ऑप्शन पे जाएंगे, मेन्यू में पास में जाए तो सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है डाउनलोड ई पास, आप उस ऑप्शन में जाए, लास्ट में आपको व्यू का ऑप्शन दिखेगा, आप इस व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। आपका जो पास है यहाँ पे आपका बन के ऑटो अप्रूव होकर रेडी है। ये आपका पास है, आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने पास रख ले, आपको कहीं भी आने जाने के लिए जिस जगह के लिए आपने अप्लाई किया है काम आएगा। तो आप वहाँ पे अधिकारी को ये शो करके विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। तो ये था तरीका ई पास अप्लाई करने का।